हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SMDT गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर। इकोलॉजिकल फैक्टर्स कहते कैसे हैं, यहाँ पे हमने लिखा है द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के सराउंड में चारों तरफ जितने भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे वो उस ऑर्गेनिज्म पे इफ़ेक्ट डालेंगे। कैसे? डायरेक्ट इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं और इनडायरेक्टली भी उसे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालेंगे, जिसकी वजह से उसके इन्वायरमेंट में भी कुछ चेंज होगा। द बेसिक बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इफेक्ट इट्स इन्वायरमेंट एंड द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। किस किस को इफेक्ट कर रहा है? बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो उस ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं वो उसको ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट कर रहे हैं। उस ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट होने की वजह से उसके इन्वायरमेंट में भी चेंजेस आ रहे हैं। इन्हें ही हम इकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। क्या कहना चाहते हैं हम कि बायोलॉजिकल और बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर इफेक्ट डाल रहे हैं? इसे हम समझने के लिए इस डायग्राम को समझेंगे। ये एक कोई पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई एक ऑर्गेनिज्म या फिर कोई एक प्लांट है। इस प्लांट के सराउंडिंग में क्या इस प्लांट के सराउंडिंग में बायोटिक फैक्टर्स भी होंगे और एबायोटिक फैक्टर्स भी होंगे। क्या क्या होंगे प्लांट्स के सराउंडिंग में? प्लांट्स के सराउंडिंग में बायोटिक फैक्टर्स भी प्रेजेंट होंगे, एबायोटिक फैक्टर्स भी प्रेजेंट होंगे, जैसे कि कुछ हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स उन ऑर्गेनिज़म्स को कहते हैं जो कि प्लांट के ऊपर फीड करते हैं या फिर प्लांट को फीड करते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल काऊ, एलिफेंट, गोट, रैबिट एक्सेट्रा। और यहाँ पे अदर ऑर्गेनिज़म्स भी होंगे। कैसे ऑर्गेनिज़म? कुछ कार्निवोर्स भी होंगे। कार्निवोर्स क्या होते हैं? मीट ईटर होते हैं। किसे फीड करते हैं? ये हर्बीवोर्स को फीड करते हैं। क्या होते हैं? मीट ईटर। एग्जांपल क्या है? टाइगर, लायन, डॉग, कैट एक्सेट्रा। और कुछ ओमनीवोर्स भी होंगे। क्या? ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? ओमनीवोर्स उन ऑर्गेनिज़म्स को कहते हैं जो वैरायटी ऑफ फूड को अब्जॉर्व करते हैं या फीड करते हैं। क्या? वैरायटी ऑफ फूड को फीड करते हैं, उन्हें ओमनीवोर्स कहते हैं। क्या होते हैं ओमनीवोर्स के एग्जांपल में? ह्यूमन। ये जितने भी फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स, ये सभी बायोटिक फैक्टर्स हैं। कैसे? बायोटिक फैक्टर्स। हमने कहा इस ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में बायोटिक फैक्टर्स हैं और एबायोटिक फैक्टर्स हैं। बायोटिक फैक्टर्स में इस डायग्राम में हमने देखा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ कैसे बायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कुछ हर्बीवोर्स, गोट हो सकती है, एलिफेंट, काऊ, रैबिट हो सकता है, कार्निवोर्स हो सकते हैं। कार्निवोर्स कहते किसे हैं? जो मीट ईटर्स होते हैं उन्हें कार्निवोर्स के नाम से जाना जाता है। ये हर्बीवोर्स को फीड करते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा टाइगर हो सकता है, लोयन हो सकता है, डॉग हो सकता है, कैट हो सकती है एक्सेट्रा। फिर ओमनीवोर्स के बारे में हमने देखा, ओमनीवोर्स में हमने एग्जाम्पल लिया ह्यूमंस। ओमनीवोर्स होते क्या हैं? जो वैरायटी ऑफ फूड को फीड करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस जो हैं वो प्लांट प्रोडक्ट्स को भी फीड करते हैं और मीट भी फीड करते हैं, इसलिए इन्हें ओमनीवोर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ये तो बात हुई बायोटिक फैक्टर्स की। अभी हम देखेंगे कि ये एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं। हमने यहाँ पर लिखा है बायोटिक फैक्टर्स भी हैं और एबायोटिक फैक्टर्स भी हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स तो समझ आया, एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं? इस ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि
ऑर्गेनिज्म को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? ऑर्गेनिज्म को एनर्जी जो है वो सनलाइट से मिल रही है। और सनलाइट क्या है? सनलाइट जो है वो एक एबायोटिक फैक्टर है। क्या? सनलाइट से इसे एनर्जी मिल रही है। किस फॉर्म में? लाइट के थ्रू। और लाइट क्या है? एक एबायोटिक फैक्टर। लाइट है इस सराउंडिंग में, तो इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होगा ही। टेम्परेचर क्या है यहाँ पे? कुछ टेम्परेचर भी प्रेजेंट है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की एरिया के अंदर, कोई ना कोई टेम्परेचर तो होगा ही। यहाँ पे बारिश भी होती होगी। बारिश भी होती है किस किस एरिया में हम देख रहे हैं? इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में हमने क्या क्या देखा है? एबायोटिक फैक्टर में लाइट प्रेजेंट है। लाइट कहाँ से आ रही है? सनलाइट के थ्रू आ रही है। ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए तो वो किसे? प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। वो फूड कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे? फूड कैसे सिंथेसिस करेंगे? लाइट के थ्रू फूड को सिंथेसिस करेंगे। यहाँ पे कुछ लाइट है तो टेम्परेचर भी होगा। पर्टिकुलर एरिया का कोई ना कोई टेम्परेचर तो होता ही है। यहाँ पे बारिश भी होती होगी, रेनफॉल भी है। और कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट हो सकते हैं? इस एरिया की कोई ह्यूमिडिटी होगी। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नमी या आर्द्रता। कुछ ह्यूमिडिटी भी होगी। अब हमने कहा कि ऑर्गेनिज्म में सराउंडिंग में जितने भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट हैं वो उसको इफ़ेक्ट कर डालेंगे। किसके ऊपर इफ़ेक्ट डालेंगे? इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ पे, उसकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट डालेंगे। कैसे इफ़ेक्ट डाल रहे हैं? जिसमें हमने बायोटिक फैक्टर्स में क्या देखा? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? हर्बीवोर्स उन्हें कहा जो प्लांट को फीड करते हैं। किसे खा रहे हैं ये हर्बीवोर्स? हर्बीवोर्स प्लांट को खा रहे हैं। तो ये प्लांट पे या इस ऑर्गेनिज्म पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। कैसे? कोई पर्टिकुलर प्लांट है, कुछ काऊ या फिर गोट जो आगे उसके पत्तियों को, उसके स्टेम को खा रही है, तो उसकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही प्लांट की ग्रोथ के ऊपर। तो ये हर्बीवोर्स उस प्लांट की ग्रोथ के ऊपर इफ़ेक्ट डालती है। हर्बीवोर्स का तो चलो हमें समझ में आया कि ये डायरेक्टली ये प्लांट को ही फीड कर रहे हैं, तो उसका इस पर इफ़ेक्ट देखा हमने। लेकिन यहाँ पे हमने कार्निवोर्स क्यों लिखे? कार्निवोर्स कौन होते हैं? जो कि हर्बीवोर्स को फीड करते हैं। तो फिर कार्निवोर्स और प्लांट का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो यहाँ लिखा क्यों गया है? यदि इसके सराउंडिंग में कोई कार्निवोर्स नहीं होते, कोई कार्निवोर्स ना हो तो क्या होगा? तो हर्बीवोर्स का नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा। वहाँ पे हर्बीवोर्स बहुत सारे हो जाएंगे। पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे हर्बीवोर्स होंगे तो उस प्लांट पे इफ़ेक्ट तो पड़ेगा। कैसा इफ़ेक्ट पड़ेगा? अगर एक पौधा है उसको खाने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स हैं, तो पौधे पे इफ़ेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा? उसकी उसे तो खाने के लिए ऑर्गेनिज़म बहुत ज़्यादा हैं, और एक ही पौधा तो उसकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट तो आ ही रहा है। तो कार्निवोर्स इनडायरेक्टली इसको इफ़ेक्ट डालते हैं। कैसे? कार्निवोर्स हर्बीवोर्स पे इफ़ेक्ट डालते हैं, और हर्बीवोर्स तो डायरेक्टली प्लांट पे इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। यहाँ पे हमने ओमनीवोर्स को भी लिखा है। ओमनीवोर्स कैसे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर? खाना क्या लेते हैं ओमनीवोर्स? खाते क्या हैं? प्लांट टिश्यू को खाते हैं, एनिमल टिश्यू को खाते हैं। तो डायरेक्टली भी इसको इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस प्लांट से प्रोडक्ट्स जो मिल रहे हैं उसे फीड कर रहा है। कैसा इफ़ेक्ट डाल रहे हैं? डायरेक्टली इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। और इनडायरेक्टली कैसे डाल रहे हैं इसके ऊपर ये इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट कैसे डालते हैं? हमारे घर में बहुत सारा फर्नीचर होता है, किस चीज़ का बना होता है फर्नीचर? लकड़ी का। लकड़ी कहाँ से आई? प्लांट से। तो फिर प्लांट को हमने प्रभावित किया कि नहीं किया? यदि हमने उस पौधे को काटा नहीं तो हमारे पास में लकड़ी नहीं मिलेगी। तो जितना भी फर्नीचर हम बना रहे हैं वो सब लकड़ी से आ रहा है। किसी हमें रहने के लिए जगह चाहिए तो हम जंगल में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको हटा देंगे और लैंड हमें मिल जाता है पर्टिकुलर रहने के लिए।
तो डायरेक्टली ह्यूमंस प्लांट के ऊपर कितना ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं, उसको कितना ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, कौन ह्यूमंस ओमनीवोर्स। ये तो हमने बात की बायोटिक फैक्टर्स में कि हर्बीवोर्स डायरेक्ट इसके ऊपर इफेक्ट डालेंगे, कार्निवोर्स जो है वो इनडायरेक्टली इफेक्ट डालेंगे। लेकिन इनडायरेक्टली इफेक्ट कैसे डाल रहे हैं, क्योंकि ये हर्बीवोर्स को खाते हैं। यदि कार्निवोर्स नहीं हैं तो हर्बीवोर्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा नंबर होने की वजह से प्लांट्स को खाने वाले ऑर्गेनिज्म का नंबर भी ज़्यादा हो जाएगा। यदि कार्निवोर्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, यदि कार्निवोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो हर्बीवोर्स ही नहीं रहेंगे, वो फिर सारे हर्बीवोर्स को फीड कर लेंगे। तो हर्बीवोर्स और प्लांट डायरेक्टली एक दूसरे पर इफेक्ट डाल रहे थे। तो कार्निवोर्स हर्बीवोर पे इफेक्ट डालता है और हर्बीवोर्स जो है प्लांट पे इफेक्ट डाल रहा है। तो यहाँ पे कार्निवोर्स इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि ये इनडायरेक्टली जो है वो प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट डाल रहा है। फिर हमने ओमनीवोर्स के बारे में पढ़ा। ओमनीवोर्स ह्यूमंस, हम प्लांट्स को जब मन हो तब काट देते हैं। फर्नीचर चाहिए तो काट दो, जगह चाहिए तो काट दो। प्लांट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो हम ही डाल रहे हैं, हम ह्यूमंस ही डाल रहे हैं। हमारे घर में जितना भी फर्नीचर है लकड़ी का बना हुआ होता है। लकड़ी आई कहाँ से, पौधों से आई, तो पौधों को काटा तभी तो हमें लकड़ी मिली। तो हमने एक प्लांट को डेड कर दिया, हमने एक पौधे को मार दिया, तब हमारे पास में लकड़ी आई। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन डाल रहा है, ह्यूमंस जो है वो प्लांट की ग्रोथ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स में बारिश, लाइट और टेम्परेचर। लाइट कैसे इफेक्ट डालती है प्लांट की ग्रोथ के ऊपर। प्लांट्स होते कौन हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉपस होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये अपना फूड खुद से सिंथेसाइज़ करते हैं। कैसे सिंथेसाइज़ किया इन्होंने फूड, प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है और फूड का फॉर्मेशन कर रहा है। यदि लाइट ना हो तो प्लांट्स खाना कैसे बनाएंगे। प्लांट्स के पास में खाना नहीं बना तो प्लांट्स डेड हो जाएंगे। प्लांट से हम सभी रिलेट कर रहे हैं, कैसे, हर्बीवोर्स ने प्लांट्स को खाया। यदि प्लांट नहीं है, एक यहाँ पे कोई ये प्लांट है ही नहीं, तो हर्बीवोर्स के पास में खाना नहीं है। हर्बीवोर्स नहीं रहे तो कार्निवोर्स के पास में भी खाना नहीं है, और हमारे पास ओमनीवोर्स के पास में तो फूड होगा ही नहीं, क्योंकि वो प्लांट्स पे और इन हर्बीवोर्स पे डिपेंड करता है। वो फूड प्लांट से मिलने वाले फूड को खाता है, और जो ऑर्गेनिजम्स है या एनिमल टिश्यूज जो उसको मीट मिल रहा है उसे खाता है। तो सबसे ज़्यादा लाइट यदि नहीं है तो प्लांट्स खाना नहीं बना पाएंगे। प्लांट्स के पास में खाना नहीं है तो प्लांट डेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये कंप्लीट साइकिल टूट जाएगा। कैसा कंप्लीट साइकिल, प्लांट नहीं, मान लिया कि ये प्लांट है ही नहीं, तो हर्बीवोर्स के पास में खाना नहीं, हर्बीवोर्स नहीं तो कार्निवोर्स नहीं, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स नहीं तो ओमनीवोर्स भी नहीं। तो लाइट का हमने डायरेक्ट इफेक्ट देखा। लाइट जो होती है प्लांट की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इंक्रीज़ भी कर देती है, कभी कभी डिक्रीज़ भी कर देती है। इंक्रीज़ कैसे कर दिया, यदि वहाँ पे उसको जितनी लाइट की कैपेबिलिटी है प्लांट को, या उस अकॉर्डिंग उसे मिल रहा है सब कुछ फैक्टर्स जो उसके फेवरेबल कंडीशन में होंगे, तो फोटोसिंथेसिस प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू स्टार्च का, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन यदि लाइट ना हो या फिर लाइट की वेलोसिटी बहुत हाई हो, तो क्या होगा, लीव्स के ऊपर लाइट की हाई वेलोसिटी की वजह से डैमेज हो जाएगा। हम देखते हैं कि कुछ पत्तियां जो होती हैं दोपहर के टाइम पे मुरझा जाती है। क्यों मुरझाई जा रही है, क्योंकि इनमें से ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस हो रही है। ट्रांसपायरेशन क्या है, प्लांट से वाटर का लूज होना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। तो डायरेक्टली ये एबायोटिक फैक्टर्स जितने भी है वो प्लांट की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि अभी हमने फोटोसिंथेसिस पे इसका इफेक्ट देखा, ट्रांसपायरेशन पे इसका इफेक्ट देखा, कि लाइट हाई हुई या फिर लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होने के साथ साथ में टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर और लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इफेक्ट क्या आ रहा है, यदि ये हम लीव की सरफेस माने तो इसके ऊपर लाइट की वेलोसिटी रेडिएशंस डायरेक्ट आ रही है, या फिर एरिया का टेम्परेचर हाई है, तो होगा क्या, जैसे कि दोपहर के टाइम पे हमने कहा कि पत्तियाँ मुरझा जाती है। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि उनमें ट्रांसपायरेशन की रेट ज़्यादा हो रही है, जिससे कि वाटर का लॉस जो हो रहा है प्लांट्स में से वो ज़्यादा हो रहा है। ये उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स में या इंटरनली उसको इफेक्ट डाल रहा है। किसको, प्लांट के इंटरनली इफेक्ट डाल रहा है कौन, ये एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि लाइट, टेम्परेचर। रेनफॉल क्यों लिखा गया है, ये रेनफॉल इसलिए लिखा गया है, यदि बहुत तेज़ बारिश हुई
बहुत तेज़ बारिश हुई तो प्लांट के किस पार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, किस प्लांट के किस पार्ट को प्रोटेक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, स्टेम को, क्यों, क्योंकि उससे अदर ऑर्गेनिज्म से भी बचना है, जैसे काउ से, एलिफेंट से, इनसे भी बचना है, आंधी तूफान जो आ रहे हैं उससे भी प्लांट के स्टेम पे ही इफेक्ट पड़ रहा है, तो उससे भी बचना है। यदि रेनफॉल ज़्यादा हुआ तो प्लांट डायरेक्टली इसके तो एक तो स्टेम पे इफेक्ट तो पड़ ही रहा है यदि बहुत तेज़ बारिश हुई तो, और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, बारिश ज़्यादा तो सोइल के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा, सोइल के अंदर पानी भी ज़्यादा और यहाँ इन्वायरमेंट में भी पानी ज़्यादा, प्लांट्स में से ट्रांसपायरेशन हो रहा है, वाटर लॉस। अभी हमने ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ा कि वाटर लॉस होता है लीफ की सरफेस से स्ट्रोमेटा के थ्रू, तो ये होना ज़रूरी है। ये क्यों होना ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स को मिनरल्स चाहिए। मिनरल्स कहाँ से आएंगे, प्लांट रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्व किया, ये वाटर के साथ साथ में मिनरल्स को भी एब्जॉर्व करता है, तो इसलिए वाटर का तो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा और मिनरल्स जो है ये वाटर की जितनी मात्रा की उसको ज़रूरत है उतना यूज़ कर लेगा, एक्सेस वाटर जो होगा उसे बाहर की तरफ निकाल देंगे। और अभी हम देख रहे हैं रेनफॉल ज़्यादा हुआ तो रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, नमी ज़्यादा है, मिट्टी के अंदर पानी ज़्यादा है, तो इससे ये तो प्लांट्स के लिए फेवरेबल कंडीशन हुई। पानी ज़्यादा होना तो पानी बहुत एब्जॉर्व कर लेगा, कैसे एब्जॉर्व करेगा, ये ज़्यादा पानी एब्जॉर्व नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जब पानी का लॉस ही नहीं होगा तो प्लांट वाटर को एब्जॉर्व करेगा कैसे, लॉस कैसा हो रहा है, ट्रांसपायरेशन के थ्रू, और ट्रांसपायरेशन रेट क्यों रुक गई है, क्योंकि पानी जो होता है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है। अब इन्वायरमेंट में ऑलरेडी पानी इतना ज़्यादा है तो उसे बाहर की तरफ, पानी को बाहर की तरफ मूव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए ये रेनफॉल, लाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो प्लांट की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पर इफ़ेक्ट डालते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो प्लांट की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे, उस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस तरह से इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। टाइप्स क्या क्या हैं इकोलॉजिकल फैक्टर्स के, इकोलॉजिकल फैक्टर्स के मेनली हम 4 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टोपोग्राफिक फैक्टर्स, एडेफिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर सभी एरियल फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे, जैसे कि लाइट, अभी डायग्राम में हमने देखा लाइट, टेम्परेचर जो है वो प्लांट को कैसे या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर कैसा इफेक्ट डाल रहे हैं, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, एटमोस्फियरिक गैसेस, इन सब को हम क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है और इनका एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर किस तरह से इफ़ेक्ट होता है, इसे हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। टोपोग्राफिक फैक्टर्स क्या होते हैं, टोपोग्राफी वर्ड जब हमने यूज़ किया था तो हमने इसका मीनिंग समझा था, स्ट्रक्चर ऑफ एरिया इज़ नोन एज ए टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी है क्या, बेसिकली हम देखते हैं कि कहीं कहीं के एरिया में माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, कहीं का एरिया ग्रासलैंड्स प्रेजेंट होते हैं, कहीं का मैदानी एरिया होता है, मरुस्थली एरिया होता है, इन एरिया के अंदर डिफरेंस जो प्रेजेंट है इसे ही टोपोग्राफी कह रहे हैं। ये माउंटेन्स जो है उसका स्लोप कैसे, उसकी हाइट किस तरह से इन्वायरमेंट, इन ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, इन सब फैक्टर्स को हम टोपोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। फिर एडेफिक फैक्टर में हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड टाइप एडेफिक फैक्टर्स के अंदर हम सोइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। एंड बायोटिक फैक्टर्स के अंदर, बायोटिक फैक्टर्स के हम देखेंगे कि बायोटिक फैक्टर में या फिर बायोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव इंटरेक्शन भी करते हैं और नेगेटिव इंटरेक्शन भी करते हैं, किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और किस तरह से इनका एक दूसरे के ऊपर प्रभाव है, इन सब की स्टडी हम बायोटिक फैक्टर के अंदर करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने देखा क्या है, हमने इकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में स्टार्ट किया है। इकोलॉजिकल फैक्टर की डेफिनेशन में हमने लिखा कि बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स जो होंगे वो एक ऑर्गेनिज्म को और उसके इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करेंगे,
कैसे इफेक्ट कर रहे हैं इस डायग्राम में हमने समझा। यहाँ पे हमने कुछ बायोटिक फैक्टर्स मेंशन किए जिसमें हर्बीवोर्स को, कार्निवोर्स को एंड ओमनीवोर्स को मेंशन किया। फिर कुछ एबायोटिक फैक्टर्स जैसे रेनफॉल, लाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। फिर हमने इसके बारे में समझा कि ये इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं। एबायोटिक फैक्टर्स जितने भी थे वो उसकी प्लांट की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे इफेक्ट डालते हैं, और बायोटिक फैक्टर्स जो थे वो प्लांट्स पे डायरेक्टली इफेक्ट कैसे डाल रहे थे। हर्बीवोर्स प्लांट्स को फीड करते हैं, उनको खाना कहाँ से चाहिए, पौधे पे, तो वो निर्भर किस पर है, पौधे पे। कार्निवोर्स निर्भर है हर्बीवोर्स पे। ओमनीवोर्स प्लांट से भी फीड फूड को लेते हैं और एनिमल टिश्यू से भी फूड को लेते हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स जो थे वो डायरेक्टली भी प्लांट पे इफेक्ट डाल रहा है और इनडायरेक्टली भी प्लांट की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे, उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट डाल रहा था। फिर हमने देखे कि ये इकोलॉजिकल टाइप्स क्या होते हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। चार टाइप्स हमने डिवाइड किया था। पहला क्लाइमेटिक फैक्टर्स में सभी एरियल फैक्टर्स को इंक्लूड किया, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी एंड एटमोस्फेरिक गैसेस। सेकेंड में हमने लिया टोपोग्राफिक फैक्टर्स, इसमें हमने माउंटेंस की हाइट कैसी है, उनका स्लोप कैसा है, ये सब डिस्कस करेंगे। थर्ड के अंदर हमने लिया एडेफिक फैक्टर्स, सोइल प्रोफाइल कैसी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ है बायोटिक फैक्टर्स, ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनके बीच में पॉजिटिव इंटरेक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव इंटरेक्शन भी हो सकता है। वीडियो को ध्यान से देखना, आपको उसमें कुछ समझने में प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर करना। Have a good day, students.